आमिर खान अपनी नई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर चर्चाओं में है। हाल ही में फिल्म की एक्ट्रेस फातिमा सना शेख अपने कटे आईब्रोज को लेकर खबरों में थी। चर्चा थी कि फिल्म के लिए उन्होंने अपना लुक बदला है। अब एक इवेंट के दौरान खुद आमिर खान ने फिल्म के क्लाइमेक्स को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। इस फिल्म में अपने लुक को लेकर आमिर ने कहा है, मेरी कानों की बाली, मेरे लंबे बाल इस फिल्म में नजर आएंगे, क्योंकि ठग्स में मेरे लुक का ये हिस्सा है। मैंने अभी तक अपने पूरे लुक को सभी से छुपाए रखा था। जैसे ही पोस्टर सामने आएगा आप मेरा पूरा लुक देख सकेंगे। इसी के साथ ही आमिर ने ये भी कहा है कि मैं कुछ समय के लिए घूमूंगा और वापस आकर मैं राजस्थान में फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग करूंगा। मार्च के आखिरी तक हम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग पूरी कर लेंगे। इसका मतलब है कि मार्च के बाद फिल्म का पहला लुक और टीजर सामने आ जाएगा। धूम, गुरु और रावण जैसी फिल्मों के डायलॉग्स लिखने वाले विजय कृष्ण आचार्य ने फिल्म का निर्देशन किया है। इसके अलावा वो टशन और धूम 3 जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। इस फिल्म के जरिए पहली बार आमिर और अमिताभ बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे और पिछले दिनों खबर आई थी कि आमिर और अमिताभ इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।